नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ सौम्या शुक्ल। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये नारा पुणे में एक प्रदर्शन के दौरान सुना गया। इन नारों ने पूरे देश में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ लोग इस देश में रहते हुए भी इस देश की जड़ों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। इन नारे ने कई ऐसे सवालों को जन्म दिया जो देश की सुरक्षा और हिंदुओं के लिए बेहद चिंताजनक है। क्या ये भारत को एक इस्लामिक नेटवर्क बनाने की योजना है या देश में गजवाए हिंद लाने का उद्देश्य है? जी हाँ, कई ऐसे सवाल हैं जो मन में शोर जरूर करते हैं, लेकिन जवाब हाँ या ना में देना बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल देश में जो चल रहा है वो केवल इन्हीं सवालों को हाँ में कहने को मजबूर करते हैं। दरअसल पुणे कलेक्टर के कार्यालय के बाहर एक बड़ी भीड़ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, जब वहाँ इस तरह के उग्र नारे लगाए गए। इस तरह की नारेबाजी आम तौर पर पाकिस्तान में जिहादी तत्वों द्वारा सुनी जाती है, लेकिन इसे पुणे की सड़कों पर सुना जाना बेहद चौंकाने वाला है। इसे देखकर लगता है कि भारत में इस्लामिक कट्टरता अब अपने क्लाइमेक्स के चरण में प्रवेश कर गई है, यानी टारगेट एक नहीं पूरा समूह या समुदाय बन गया है। ऐसे में एक सवाल और जरूर है कि क्या ये गजवाए हिंद की आहट नहीं है? सबसे पहले आपको बता दें कि गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। लेकिन जिस तरह से इन धार्मिक नारों के साथ 2022 में महाराष्ट्र में उमेश कोहले की हत्या और राजस्थान में भी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, उससे साफ है कि ये गजवाए हिंद कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ उससे पूरा देश वाकिफ है। नुपुर शर्मा ने वर्ष 2022 में एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए थे और सड़कों पर उतरकर आपत्तिजनक नारे लगाने लगे थे। सवाल अब भी ये है कि क्या ये नारे भारत जैसे देश में लगने चाहिए जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं? क्या ये सभी घटनाएं देश को पाकिस्तान की तरह इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर इशारा नहीं कर रही? क्या ये घटनाएं गजवाए हिंद की आहट नहीं हो सकती? गौर करने वाली बात है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।